गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सबीना ग्रोवर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो हम इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम इंग्लिश में फेस करते हैं वो है बट और एंड की, यानी कि बट कहाँ यूज़ करें या और एंड कहाँ यूज़ करें। दोनों को हम सोचते हैं कि बट और एंड तो एक ही चीज़ होते हैं, एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बट जो है वो तब यूज़ किया जाता है जब आपकी स्टेटमेंट्स में कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट का मतलब ये है कि आपकी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करती हैं, मतलब दोनों विचार एक दूसरे से अलग अलग हैं। उस सिचुएशन में हम हमेशा बट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आप इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई कॉल्ड माई फ्रेंड बट शी वॉज नॉट देयर। मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। आई वेटेड फॉर यू बट यू डिड नॉट कम। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आए। तो इस सेंटेंसेस में क्या है कि आपके पास दो स्टेटमेंट्स तो हैं लेकिन वो क्या है, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन को शो करती हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आपस में विरोधाभास, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को कट करती है। माई आंट इज़ वेरी नाइस, माई आंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मीन्स माई आंट इज़ नाइस बट स्ट्रिक्ट, मीन्स कि वो अच्छी भी हैं लेकिन इसके अलावा वो स्ट्रिक्ट भी हैं। तो यहाँ पर उनकी जो दो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरी जगह क्रिएट करते हैं, जैसे कि एंड में कैसे यूज़ करेंगे। माई आंट इज़ नाइस, माई आंट इज़ पोलाइट। तो यहाँ पर दोनों जो क्वालिटीज़ हैं, यानी कि मेरी आंट की जो दोनों क्वालिटीज़ हैं वो दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ कि माई आंट इज़ नाइस एंड पोलाइट, यानी कि मेरी आंटी जो है वो नाइस भी हैं और पोलाइट भी हैं। तो उस सेंस में हमने यूज़ किया एंड। एंड जो है बेसिकली टू वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए एंड टू फ्रेसिस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे दोनों व्यू पॉइंट सेम हो, यानी कि वी आर कन्वेइंग द सिमिलर आइडिया। जैसे कि इसको हम टू वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, आई एंड माय ब्रदर बोथ आर गोइंग टू मार्केट। हियर मैं और मेरा भाई, उन दोनों को मैंने एंड से कनेक्ट किया। क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट आई वेंट टू स्कूल And I studied there, right? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, I went to school and I studied there. या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, I went to school and studied there. आपको मैं दो sentences पूछती हूँ, आप मुझे बताएं आप उसको कैसे use करेंगे। My friend is obese, my friend is beautiful. इसको आप कैसे connect करेंगे, and से या but से? Comment section में जाकर इस पर comment करें और बताएं। Thank you.